वीडियो में हम करेंगे हिंदी क्लास 6 के, वर्कशीट नंबर है हमारा 19 और इसे सबमिट कब करना है हमें 10 सितंबर से पहले पहले। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। तो यहाँ पे हम पहले कुछ मेन पॉइंट्स है उसे पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोवती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमें लेखिका की बहुत सारी बातें को जानना चाहिए। आज हम इस पाठ में अंतिम भाग को पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, फिर ठीक है, लेखिका के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे लेखिका के बारे में क्या लिखा हुआ है, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईना के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, मतलब कि सूरत, मतलब कि जो फेस था वो लंगूर की तरह, लंगूर की भांति बन चुका था लेखिका का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी जब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया था चश्मा, मतलब कि लेखिका अपने भाई के टोपे को उठा के अपने ऊपर सर के ऊपर रख लेती है, तो उसे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और थोड़ा मजाकिया भी लगता है। बट वो ये सब किस लिए कर रही थी, अपने चश्मे को ट्राई कर रही थी। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, मतलब कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलो फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, मतलब कि लेखिका ने बहुत रंग की, मतलब अलग अलग रंग की टोपी इकट्ठा कर ली है। कहाँ दुपट्टों और ओढ़ना, और कहाँ सज्जन सरल सुबते वाली हिमाचली टोपियाँ, मतलब कि जो लड़कियाँ पहनती है ना, मतलब लड़कियाँ अपने सूट के ऊपर डालती है ओढ़नी, उसे कहते हैं दुपट्टो। ठीक है, उसके कंपेयर और टोपी का कंपेयर कराया यहाँ पे लेखिका ने। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा है, लेखिका आईना के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ से मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार देखती रही, यहाँ से आप लोग ये पूरा लिख सकते हो। ये हमारा किसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं आंसर नंबर 2 पे। आंसर नंबर 2 क्या है, चेहरे पर चश्मा लगाकर देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाया उसे चिढ़ाया, सुनाकर उसे चिढ़ाया। तो यहाँ पे देख सकते हो लंगूर वाली जो लाइन थी ना, वही इस लाइन में देखो यहाँ पे, अरे 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 ये रे, आप इसे भी लिख सकते हो सूरत बनी। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है, आप लोग इस पोयम को भी लिख देना और उसके बाद इसको भी लिख देना। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चश्मे के साथ साथ लेखिका को क्या पसंद आने लगा था। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कहाँ दुपट्टो और कहाँ सज्जन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 3। ठीक है, यहाँ से बस
वहां तक, ठीक है। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सहल सुबते वाली हिमाचली टोपिया का अर्थ, मतलब कि हिमाचल में बहुत अच्छी अच्छी टोपिया है, मतलब कि आप इसे लिख सकते हो हिमाचली, पहले तो लिखना है हिमाचली टोपिया बहुत खूब सूरत खूबसूरत होती है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वर्कशीट का। आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लोग इसे अपने शब्दों में लिखना है, तो मैं आप लोगों को इसका फटाफट आंसर ही प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है आप लोगों का, आप लोग ये सिंपल से लिख सकते हो, मुझे लेखिका के बचपन बचपन की सबसे प्यारी और अच्छी और अच्छी बात यह लगी कि उसको मजे में रहना तथा उसके बाद आप यहां से भी लिख सकते हो वह, यहां से लिखना है वह टोपी काली यहाँ तक, ठीक है। आप लोग का आंसर नंबर फिफ्थ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। चलो फिर इस वर्कशीट को फटाफट क्या करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी फटाफट इस वर्कशीट को कंप्लीट करके सबमिट करवा दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।